Hello friends, welcome to PHP Guru, and in this video I will show you how to install or set up Codeignator framework in XAMPP server. So without wasting time, let's we start. तो पहले हम Codeignator framework download कर लेते हैं. तो हम Google open करते हैं और type करते हैं Codeignator. तो ये Codeignator की पहली वेबसाइट आ गई, ऑफिशियल वेबसाइट ये. तो यहाँ पे हम डाउनलोड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. तो ये डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा. और Codeignator फ्रेमवर्क 3 वर्जन में आता है, तो मैं Codeignator 3 डाउनलोड करने वाला हूँ. तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ओके, तो ये डाउनलोड हो रहा है. तो Codeignator डाउनलोड हो चुका है. अब हम ये Codeignator एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे stdocs फोल्डर में. तो ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है. अब हम इसे रिनेम करते हैं. तो मैं नाम देता हूँ वेलकम. तो आइए चलिए अब हम फोल्डर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो ये है हमारा Codeignator फ्रेमवर्क का फोल्डर स्ट्रक्चर एप्लीकेशन कॉन्फ़िग. अब हम ऑटोलोड फाइल में चेंज करते हैं. ऑटोलोड फाइल जो अब हमारे प्रोजेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट हमें जो भी लगने वाला है, जैसे डेटाबेस सेशन, वो यहाँ पे लोड करते हैं. तो लाइब्रेरीज में डेटाबेस सेशन में लोड कर लेता हूँ. तो ये लोड हो गया. अब हम config.php में जाते हैं. config का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि config क्या करता है. जो हमारे एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सब वो ये इस फाइल में करेंगे. तो हम पहले जो बेस URL है, मींस जो प्रोजेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट URL होना चाहिए, वो हम यहाँ पे सेट करते हैं http://localhost/ हमारा प्रोजेक्ट का नाम वेलकम. तो ये हमारा बेस URL होगा. अब हम डेटाबेस, जो हमें एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट के लिए जो भी डेटाबेस लगेगा उससे कनेक्शन के लिए हम डेटाबेस फाइल में चेंज करते हैं. तो यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड नहीं है, और डेटाबेस वेलकम. तो डेटाबेस सिंपली क्रिएट कर लेते हैं लोकल होस्ट. चलो डेटाबेस हो गया. अब roots.php, तो यहाँ पे है वेलकम जो डिफॉल्ट रहता है. तो आइए अब हम रन कर देखते हैं प्रोजेक्ट. क्लोज्ड वेलकम. तो ये वेलकम पेज सक्सेसफुली लोड हो चुका है, मतलब हमारा Codeignator सेटअप इंस्टॉल हो चुका है. आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि वेलकम पेज कैसे शो हो रहा है, तो चलिए आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Codeignator फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन MVC पैटर्न. MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर. सिंपली कहे तो अगर हम प्लेन PHP में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो हमारा ऑल डिजाइनिंग पार्ट, डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी, ये सब एक ही पेज पर होता है. तो Codeignator फ्रेमवर्क में क्या होता है
कि ये MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर ये तीन पार्ट्स में होता है। मॉडल्स में हम सब जो डेटाबेस रिलेटेड इंसर्ट अपडेट डिलीट जो क्वेरी है वो हम इस फोल्डर में करते हैं जहाँ पे मॉडल्स मॉडल्स में, और व्यूज व्यूज फोल्डर में हम यहाँ पे व्यूज में ये वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP यहाँ पे जो पूरा HTML कोड या जो भी बूटस्ट्रैप का आपको कोड होगा जो डिजाइनिंग पार्ट होगा पेज के रिलेटेड वो व्यूज में करते हैं। और जो कंट्रोलर होता है कंट्रोलर्स फोल्डर में हम कंट्रोलर यहाँ पे है वेलकम, तो ये क्या करता है कि जो हमें कौन सा पेज कहाँ शो करना है और कौन सी क्वेरी कब परफॉर्म करनी है ये पूरा पार्ट ये कंट्रोलर करता है। तो यहाँ पर मैंने राउट्स में जो पहले डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो लोड किया है जो है वेलकम, तो ये कॉल जाएगा कंट्रोलर में वेलकम डॉट PHP में ये वेलकम क्लास में, और वहाँ पर इंडेक्स ये डिफॉल्ट मेथड है वो शो करेगी व्यू, कौन सा व्यू लोड करेगी तो वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP, तो ये कॉल जाएगा व्यूज को जहाँ पे हमारा HTML कोड है वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP में, तो ये पूरा हमारा जो HTML कोड है वो है। समझने के लिए मैं और एक टैग यहाँ पे दे देता हूँ H2, PHP गुरु, और अगर फिर से लोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे PHP गुरु नाम आ गया है। तो इस प्रकार कोडिग्नेटर फ्रेमवर्क वर्क करता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर मुझे बता दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।